Hello and good morning to everyone. My name is Tarun Parnami. I am the director of Magpie International School, Jaipur. So welcome to my YouTube channel, friends. Friends, in today's video, we're gonna discuss a very important topic of grammar. And this topic is so important that you would realize that even after studying this topic for so many years at your schools, at your colleges, you were not able to understand this topic completely. Now the question is why? इतने साल आपने इस टॉपिक को पढ़ा बट उसके बाद भी आप कभी इस टॉपिक को ढंग से कभी समझ नहीं पाए, क्यों? फ्रेंड्स, ऐसा शायद इसीलिए रहा होगा कि या तो प्रॉपर आपको सर्कमस्टेंसेज नहीं मिले हों, या मे बी देर वॉज मे बी अ लैक ऑफ नॉलेज. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आज आपको ये टॉपिक बहुत आसानी से समझाने वाला हूँ, बहुत इजी वे में समझाने वाला हूँ. और वीडियो देखने के बाद आपको फील होगा कि अरे, ये तो टॉपिक बहुत ही इजी था, इतने इजी टॉपिक को हम कभी समझ ही नहीं पाए. तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी मिस्टेक्स दूर करते हैं, अपने डाउट्स दूर करते हैं और लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस. Elements of sentence. What is an element? So friends, before I start explaining it to you, I want you to have a look of the board, please. Have a look. So friends, jaisa ki aapne board pe dekha hai ke today's topic is elements of sentence. So what is an element? So let me explain it to you. Element ek aisa part, ek aisa koi sa bhi cheez jo किसी एक बड़े प्रोडक्ट को जोड़ के बनते हैं, यानी कि किसी एक बड़ी चीज़ के तीन चार छोटे छोटे पार्ट्स. फॉर एग्जांपल, इफ़ वी टेक दिस पेन, दिस मार्कर पेन, अब इस पेन को बनाने में हमें क्या क्या चाहिए? फॉर एग्जांपल, वी नीड दिस आउटर बॉडी, वी नीड अ निब एंड देयर इज़ अ रीफिल इन इट एंड वी नीड अ कैप. और जब हम इस कैप को इस पेन से लगा देते हैं तब हमारा पूरा मार्कर पेन कंप्लीट हो जाता है. तो इसी तरह से हमें एक प्रॉपर सेंटेंस फ्रेम करने के लिए पांच चीज़ों की आवश्यकता है. वी नीड फाइव एलिमेंट्स टू फ्रेम अ कंप्लीट सेंटेंस. प्लीज कम. द फर्स्ट थिंग विच वी नीड इज गाइस सब्जेक्ट. व्हाट इज अ सब्जेक्ट? फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि व्हाट इज अ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट ऐसा कोई सी भी चीज़ जब हम सेंटेंस में किसी वस्तु या फिर किसी प्राणी या फिर किसी पर्सन के बारे में कोई बात करते हैं तो वो हमारा सब्जेक्ट होता है, राइट? नेक्स्ट थिंग विच कम्स हियर इज वर्ब. व्हाट इज अ वर्ब? आपने ग्रामर में पढ़ा होगा, आपने अपने स्कूल कॉलेजेस में पढ़ा होगा. वर्ब इज अ वर्ड विच शोज अस एक्शन और स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, या टेंस क्लियर करता है. तो ऐसा कोई सा भी शब्द जो हमें एक्शन बताए या फिर टेंस क्लियर करे, दैट इज आवर वर्ब. फाइन. Now, next thing comes is an object. What is an object? Friends, शायद आपको ये नॉलेज होगी पहले से कि verb के बाद में आने वाली चीज़ को हम object बोलते हैं. Well, ये पूरी तरह से सही नहीं है. Verb के बाद में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो इस तरह से verb के बाद में आने वाली हर चीज़ को हम object नहीं बोल सकते. So, what is an object? According to its usages, friends, ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द वर्ब. वर्ब को जो रिसीव करे वो ऑब्जेक्ट है. फाइन. नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग. नेक्स्ट थिंग इज कॉम्प्लीमेंट. व्हाट इज अ कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट, जैसा कि नाम से ही पता है, कॉम्प्लीमेंट किसी चीज को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है. यहां पर हमारे सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करता है, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है. अगर मैं बोलूं कि मेरा नाम तरुण परनामी है, माय नेम इज़ तरुण परनामी और आई एम तरुण परनामी, तो तरुण परनामी मेरे नाम को मुझे एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसीलिए तरुण परनामी मेरा यानी कि आई का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा. ओके, हैव यू अंडरस्टूड? नाउ द लास्ट थिंग इज एडवर्ब. गाइज, व्हाट इज एडवर्ब? एडवर्ब बिल्कुल एक अलग चीज़ है. ये भी वर्ब के बाद में आती है, लेकिन एडवर्ब्स वो वर्ड्स हैं जो हमें टाइम के बारे में बताएं, प्लेस के बारे में बताएं, मैनर के बारे में बताएं, या कोई रीज़न बताएं. तो इस तरह के वर्ड जो हमें सेंटेंस में टाइम बताते हैं, फॉर एग्जांपल, आई गेट अप एट 6 o'clock डेली. सो एट 6 o'clock एडवर्ब,
डेली एडवर्ब. ओके, सो इस तरह के वर्ड्स एडवर्ब्स कहलाते हैं. नाउ प्लीज लुक एट द वर्ड्स, लुक एट द सेंटेंसेस. जॉन टेक्स एग्स फॉर ब्रेकफास्ट. जॉन के बारे में बात कर रहे हैं. टेक एक एक्शन हो रहा है. एग्स उसको रिसीव कौन कर रहा है? एग्स. फॉर ब्रेकफास्ट किस चीज के लिए लिए जाते हैं, कब लिए जाते हैं? फॉर ब्रेकफास्ट. सो ये एडवर्ब हुआ, ऑब्जेक्ट एक्शन यानी कि वर्ब, और ये सब्जेक्ट. शी इज वेरी ब्यूटिफुल, किसके बारे में बात की जा रही है सेंटेंस में? शी के बारे में. और उसके बारे में बताया क्या जा रहा है कि वो बहुत खूबसूरत है, और ये खूबसूरत वर्ड किसको एक्सप्लेन कर रहा है? शी को. तो इस तरह से ये ब्यूटिफुल वर्ड शी को एक्सप्लेन करने के कारण ये हमारा कॉम्प्लीमेंट कहलाता है. ऑलराइट फ्रेंड्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. एंड इफ देर इज एनीथिंग लेफ्ट अबाउट दिस टॉपिक, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल इन माई नेक्स्ट वीडियो. सो लेट्स कीप इट टिल हियर ओनली फॉर नाउ. एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू, इफ यू लाइक माई वीडियो, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स या फैमिली को भी थोड़ी सी हेल्प मिल सके अपनी लैंग्वेज इम्प्रूव करने के लिए. ओके फ्रेंड्स, सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच, एंड आई विश यू ऑल द लक एंड अ वेरी सेफ स्टे एट होम. थैंक यू.